पर सोना ना ना पाया इधर इथे पाना इधर इथे पाना। सो अपने बारे में बता के आप इन्फॉर्मेशन जो लोगों को देते हैं जो कि एक पावर है, सो वो पावर उनके पास आ गई है। गाइस कैमरा जैसे ऑन होता है ना डिफरेंट इंसान बन जाते हैं, इनको लगता है कि मेरे अंदर वाली डिफरेंट पर्सनालिटी निकालूंगा तो बहुत कूल लगूंगा। हैप्पी एनिवर्सरी यार, मैं पूछ ही कर रही हूं मम्मी। प्यारे दोस्तों कैसे हाल चाल है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी एनिवर्सरी है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, 15 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। आज के लिए क्या प्लान था, पहले मैं सोच रही थी, अभी भी हम लाइक कन्फ्यूजन में हैं कि हम बाहर डिनर करने के लिए जाएँ। फ़िलहाल समय हुआ है 5:30। बाहर डिनर लाइक फैंसी कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मन था कि मैं ड्रेसअप हो अच्छे ओकेजन के लिए। अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, स्टे ट्यून करके रखें जानने के लिए कि हम हमारे डिनर का क्या प्लान करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कुछ स्पेशल होना चाहिए। एक तो हमारी स्पेशल एनिवर्सरी है, 15 ईयर्स हमने कंप्लीट किए हैं। दूसरा, अगर आपके ऐसे स्पेशल ओकेजन आते हैं और आप छोटा मोटा सेलिब्रेशन करते हैं ना, तो आप अच्छी मेमोरी क्रिएट करते हैं। स्पेशली अगर आपकी ज़िंदगी में सारा कुछ कहीं ना नॉर्मल एंड अच्छा चल रहा हो, तो आपको ज़रूर से सेलिब्रेट करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल के थैंकफुल होना चाहिए कि सारी चीज़ें कितनी मज़ेदार हैं। सो देखते हैं कि क्या किया जाता है आज के दिन का प्लान। बाहर जाने के लिए समझ में नहीं आता कि कौन सा फूड खाया जाए, क्योंकि आजकल हस्बैंड काइंड ऑफ वेजिटेरियन फूड ही इंजॉय करते हैं। सो बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा फूड खाया जाए। सो देखते हैं कि कौन सा फूड खाते हैं। पर मैं यहाँ पे आई हूँ, अभी मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। आज डे टाइम सेविंग टाइम चेंज हुआ है, तो अंधेरा जल्दी हो जाएगा, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। मैं सोचा कि अपनी तैयारी पूरी रखो, जो भी प्लान बनेगा उसी के हिसाब से जाएंगे। पर मैं थोड़ी सी बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं इससे रिलेटेड। तो मुझे लगा ये परफेक्ट मौका है, वेडिंग एनिवर्सरी है, 15 साल हो चुके हैं, एंड वो क्वेश्चंस क्या हैं। बहुत सारी गर्ल्स मुझे कंप्लेन करती हैं कि उनके हस्बैंड चेंज हो गए हैं, क्या किया जाए। और बहुत सारी जो गर्ल्स की शादी होने वाली है, जैसे लव मैरिजेस, वो लाइक चिंता करती हैं कि जब उनकी शादी हो जाएगी तो उनका पार्टनर चेंज हो जाएगा, या जैसे समय बढ़ेगा तो चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी जैसी अब हैं। लाइक एक फियर होता है। शायद आपने भी कभी सोचा होगा इसके बारे में, अगर आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी होने वाली है, कि यार जैसे आज हमारा रिलेशन है, अफेक्शन है एक दूसरे के साथ, कितना हम क्लोज हैं, फ्यूचर में सारा वैसा नहीं रहेगा, ऐसा डर लगता है ना कि या फिर खराब ना हो जाए। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, एंड मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे खुश रहना है। सो मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से मिले थे 2007 में। सो 16 ईयर्स हो गए हमें एक साथ, 15 साल हमारी शादी को हो गए, हमने एक साल बाद ही शादी कर ली थी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे लगता है कि लड़कियों और लड़कों दोनों में ये प्रॉब्लम होती है, पर लड़कियाँ ज़्यादा कंप्लेन करती हैं कि तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम पहले जैसा मेरे तरफ ध्यान नहीं देते, और अफेक्शन सेम नहीं है, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। लड़कियों को ये नहीं दिखता कि वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई होंगी, जैसे वो पहले सज संवर के रहती थी अपने पति, अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए, या शादी के बिगिनिंग ईयर्स में जैसे वो इतना एफर्ट डालती थी अपने ऊपर, अपनी लुक पे, अपने पति को खुश करने के लिए। अब अपने अंदर चाक के देखें, आप में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई होंगी। पर हमारा ये है कि हम अपनी चीज़ें नोटिस नहीं करते, दूसरे बंदे की ज़्यादा करते हैं। अगर तो ये सारा नॉर्मल किस्म का चेंज है तो इट्स ओके, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके रिश्ते में लाइक कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक ट्रस्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, या चीट है, या फिर वायलेंस है, तो आपको प्रोफेशनल बंदे की हेल्प की ज़रूरत होगी। ये मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ जो बेसिकली नॉर्मली होते हैं, पर वैसे ही हम ना एक दूसरे को कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं कि यार तुम वैसे जैसा नहीं करते, तुम पहले ऐसा करते थे। सो मेरे हस्बैंड पहले बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो करते थे, पर वो बिल्कुल अफेक्शन शो नहीं करते, ही इज़ अ डिफरेंट गाय नाउ। मुझे लगता है कि लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है कोई उनकी तरफ अफेक्शन शो करे, उन्हें अ कॉम्प्लीमेंट दे, उनकी बनाई हुई चीज़ों में थैंक्स करे और बताए कि ओ माय गॉड कितना अच्छा है। क्योंकि ऑफ लड़कियों को महंगे तोहफे नहीं चाहिए होते हैं, उनको सिर्फ ऐसे छोटी मोटी तारीफ से ही बहुत खुश हो जाती हैं, हवा में उड़ती फिरेंगी कि वाह, ऐसा कंप्लीट फील होता है कि यार मेरा सारा कुछ सक्सेस हो गया, जो भी मैंने एफर्ट डाल के खाना बनाया, या मैं घर को इतना मेंटेन करके रखती हूँ। अगर कोई थोड़ा सा आपको थैंक्स कर देता है ना, स्पेशली आपका हस्बैंड, बस इतना ही चाहिए होता लड़कियों को। पर यह है कि आप इतनी एक्सपेक्टेशन हम करते हैं, पर लड़कों की सिचुएशन को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद बहुत
बहुत सारी चीज़ें उनके साथ चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे ही दुनिया में हम रेज हुए हैं, लड़कों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं अपने घर को संभालने के लिए। आपने ये सुना होगा कि लड़कियाँ जब कमाती हैं तो वो बोलती है कि मेरे पैसे मेरे हैं पर पति के पैसे भी मेरे हैं। सो पति ज़्यादातर घर को संभालते हैं, पर आजकल की दुनिया में लड़कियाँ भी इन मतलब इक्वल हिस्सा डालती हैं। पर ये सारी सिचुएशन, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सारी चीज़ें कोलैबोरेट होके बंदे का बिहेवियर चेंज कर देती है और उन्हें उस डिफरेंट पिक्चर भी दिखनी शुरू हो जाती है। पहले आपको सिर्फ एक दूसरा बंदा ही दिखता था, पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। सो आपको सिचुएशन को समझना चाहिए, इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए कि यार पहले जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि पहले जैसा ऑब्वियसली नहीं होगा। पहले आप अलग अलग घर में रहते थे, थोड़े टाइम के लिए मिलते थे, ज़्यादा यू नो ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे कि हमारे पास बहुत कम समय है, हर चीज़ कर ले। सो अब आप 24 घंटे 70 दिन इकट्ठे रहते हैं, सिचुएशन उदा दी नहीं होगी। फॉर्चुनेटली मेरे और मेरे हस्बैंड का रिश्ता अच्छा है, हम अच्छे दोस्त हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं। वो मैंने लगा वो हम में नहीं चेंज हुआ है, बल्कि ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो चुकी है पहले के मुकाबले। पर या और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, मैं भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट इंसान हो सकती हूँ एंड वो भी। सो ये चीज़ें नहीं सोचती हूँ मैं कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो, इट्स ओके। टाइम के साथ सारी चीज़ें चेंज होती हैं, यू नो चेंज ही अर्थ का नियम है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी आपकी सिचुएशन है। पर या अपनी रिश्ते को यू नो एक्साइटिंग करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप वो चीज़ें कुक कर सकते हैं जो आपके हस्बैंड को अच्छी लगती हैं, या आप उनको कम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी टिप्स आपको मिल जाएंगी जिस पर आप काम कर सकते हैं। सो कंप्लेंट्स करना बंद करें, क्योंकि कंप्लेंट्स बंदे को भी परेशान कर देती हैं एंड यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर देती हैं। जब आप कहते हैं ना मेरा पति वधिया नहीं, मुझे ऐसा नहीं करता, ऐसे नहीं करता, क्योंकि थॉट्स आपकी चीज़ बन जाती है। एक्चुअल में आपकी सिचुएशन शायद बिल्कुल ठीक होगी, पर आप ऐसे थॉट्स यूनिवर्स में छोड़ते हैं कि वो सारी चीज़ें रियलिटी बनना शुरू हो जाती हैं और आप एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे थॉट्स मत क्रिएट करें अनलेस एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम है। सो दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी मैम कि जब भी आप दोनों में कोई भी प्रॉब्लम आती है हस्बैंड वाइफ में, तो किसी भी तीसरे बंदे को दसने की ज़रूरत नहीं है अनलेस बात रियली बड़ी हो और जिसमें आपको सच्ची हेल्प चाहिए दूसरे बंदे की। पर ऐसे दोस्तों में बात करते करते मेरे हस्बैंड ने कल ये किया वो किया, आप नेक्स्ट मॉर्निंग और मे बी शाम तक ही आप भूल जाएंगे, पर आपका दोस्त हज़ारों सालों तक याद रखेगा। एंड फिर जब आपका दोस्त याद रखता है तो वो आपके हस्बैंड को वो वाली वाइब्स भेजेगा, और हस्बैंड में अगर नेगेटिव वाइब्स होंगी तो वो वाइब्स मिक्स होकर डबल हो जाएंगी। फिर वो दोस्त आपकी ये बात किसी और को बताएगा, क्योंकि बहुत मज़ा आता है जब किसी की घर में प्रॉब्लम होती है ना, लोगों को बहुत इन्जॉय होता है कि फाइनल कुछ तो मिला एक्साइटिंग। क्योंकि जब आपकी जिंदगी स्मूथ चल रही है, हैप्पी है, तो किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं आता। पर जब जैसे आपकी अप एंड डाउन होगी तो दूसरे बंदे को बहुत मजा आएगा, उनको एक टॉपिक मिलेगा चिट चैट करने का कि फाइनली उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। मेरे हिसाब से कभी भी किसी साथ डिस्कस मत करें, एक वो यू नो कलेक्टिव वाइब्स आएंगी। प्राइवेसी इज अ बेस्ट पॉलिसी, आपको चीजों को प्राइवेट रखना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में चीजें बहुत मजेदार चल रही हैं तब भी लोगों को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर वर्स्ट चल रही है तब भी बताने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सीक्रेट रख सकते हैं। क्योंकि इन्फॉर्मेशन की किस्म की पावर है, आपको पता है कि जितनी आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे उतनी आपकी पावर स्ट्रांग होगी। सो अपने बारे में बता के आप इन्फॉर्मेशन जो लोगों को देते हैं, जो कि एक पावर है, सो वो पावर उनके पास आ गई है। अभी वो उस पावर को कैसे यूज़ करेंगे आपके अगेंस्ट, उन्हीं पे डिपेंड करता है। सो जितना लोगों के पास आपके बारे में इंफॉर्मेशन कम होगी, उतना ही वो कम पावरफुल होंगे आपको हर्ट करने के लिए बुरा मांगने के लिए। यू नो ये नेगेटिव, जब किसी आपकी खुशी देख के किसी के अंदर से आह निकलती है ना, यार आ क्यों गया, कई बार सच भी हो जाती है। तो आपको चीज़ें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, जितना चीज़ें सीक्रेट रखेंगे उतना अच्छा है। अगर आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है तब भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो या ये थोड़ी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। एनिवर्सरी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, फॉर सम रीज़न मेरा बाहर जाने के लिए इतना मन नहीं है। आज वैसे संडे है और संडे को मुझे बाहर जाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगले दिन हिम्मत का स्कूल होता है और मैं जल्दी सोना चाहती हूँ ताकि जल्दी उठना होता है। तो सो हैप्पी एनिवर्सरी पति, अगर आप ये वीडियो देखेंगे मैंने पता तो ये ज़रूर देखोगे, क्योंकि तो ही मेरी हर वीडियो को देख के उसमें नुक्स निकाल निकाल के मुझे बताते हो कि ये कैसे कर दिया तुमने। So hi.
सो गाइज इनको मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा चमका दिया है। आपको मैंने इसका मेथड बताया था ना, आज फिर से मैं क्लीनर दिखा देती हूँ कि किसके साथ आप इसको क्लीन कर सकते हैं। स्प्रे करके 2-3 घंटे के लिए रखें एंड देन आप स्क्रब करके सारा गंद उतार सकते हैं। आप पहले देखते ना कि कितने काले एंड गंदे थे, अब ऐसे ब्रांड न्यू हो गए। पति को सरप्राइज करते हैं। हस्बैंड कहेगा तू भी ड्रेस अप प्ले करती रहती है। डैडी लुक एट माय आउटफिट। इधर क्यों कर रहे हैं तू ये ला? ओ तो ओ तू तो कुछ दे दो। तू क्यों कर रहे हैं तू? मैंने पूरे का पूरा क्यों नहीं देख सादे? मैं कुछ आ रहा हूँ ना। हाँ प्यारे मेरे रेड सूट ले एड्डी फिक्की ये और देती है। क्या? कुछ कह ना कि कितनी प्यारी लगन थी। लाल परी बनी बैठी है। अल्लाह प्यारी है। आगे मैं अपने नाम है। परी। है ना? हाँ। प्यारी है इस बारी ना। नवी हो नवी हो तू जब रोंगी। करवा चौथ ते तो ये संदूक नहीं ना पाया। So let's do it. तो 7 बज के 13 मिनट तो पहुँच। नहीं नहीं ये तो मेरे चीज़ चिपा लो। खराब हो चीट लगदा यार। चीट लगा। ओ यार बहुत ही। ओ जिन्ने पुराना गया हो गए उतना ही फिक्का फिक्का ही जंदा। आवे फिक्का फिक्का ही जंदा। क्यों एंड एट द एंड ऑफ द डे जेड़ा एक कुल नहीं हुंदा। जा जापान तोड़ी चलदी ना जे। करवा चौथ वाले दिन ना सिंदूर पांदे आ क्योंकि ए वन ऑफ द श्रृंगार आ। सो आई फॉरगॉट। सो मैंने लगा कि आज अच्छा मौका है, मेरी एनिवर्सरी है तो आज कर लेंगे कंप्लीट। सो हाउ वाज योर 15 इयर्स? यू वांट टू से समथिंग? एम आई द सेम गर्ल और डिफरेंट? आई डिफरेंट हूं यार। किदा मैंने तो ये पतली हुंदी है। फिजिकल अपीयरेंस नहीं बहु इतना जो उते होनी है, बुड्ढे भी होना मैं। क्या तुम कह रहे हो लाड बनाने? ओह दिस इज सो क्यूट गाइस। क्या चलो टाइम पास हो रहा है। मेरे च की बदलाव आया? मैं बैड बनी हां, चंगी हां, चंगी पत्नी है। चंगी है। चंगी है। रिपोर्ट कार्ड तेरी और 15 साल बाद दूंगा मैं। हो ला। पर 15 साल में कड्डा ही ना। पर मेरी गल सुनो तो। मुझे पता ही तुम छोड़ के चल जाना एक ना एक दिन। तनु लगा कि 15 साल हो गए बैठे कितना ज्यादा टाइम। या नहीं बढ़िया खुश-खुश ना हो गया। 15 साल बढ़िया ना गए। पता चलया तनु 500 साल ही लगन दे। जिन हंडाया उन्होंने नहीं दस पता चला। बहुत धूनी सवेरे तो ही कुछ और गाने कैमरे पीछे तो बिल्कुल गाइस कैमरा जैसे ऑन होता है ना डिफरेंट इंसान बन जाते हैं। इनको लगता है कि मेरे अंदर वाली डिफरेंट पर्सनालिटी निकालूंगा तो बहुत कूल लगूंगा। नहीं सच्चाई में दसो टाइम का तो वैसे पता नहीं चलता। ओके टेल मी अबाउट माय सूट। सूट बढ़िया था। दुल्हन लगनी है। कितने ले आए? ए मैं सारी चीजें अलग-अलग लेंगा। अलग अलग अलग। ओके सो फिर की करना है एनिवर्सरी लिए? बस खाइए पिए सोइए फिर का। नहीं नहीं आज सारी रात पार्टी चल रही है। ओके गाइस हस्बैंड कैंसिल कर रहे हैं प्रोग्राम। पता क्या आज तो 10-15 साल पहले 7:15 हमारे लिए शाम के 7:15 सुबह होती थी। रात के 2:30-3 बजे तक पहले पाते रहते थे। अब 7:15 भी ऐसे लगते हैं कि यार टू लाइट। ओके थोड़ी गल नहीं समझ आती की कहना था। ओके गाइस हस्बैंड ये कहना चाहते हैं कि हम जब 30s में आ गए ना तो हमें 7:15 ऐसे लग रहा है कि मिडनाइट हो गई है, हमें ऐसे लग रहा है कि सो जाए एंड इसलिए वो बाहर जाना रिफ्यूज़ कर रहे हैं, हमें बहाने मार रहे हैं। पर यार ये सच है कि हम लोग वैसे मैं तो कभी भी लेट नाइट पर्सन था ही नहीं। मेन गल है बाहर जाके ना जदों दा मैं एक्चुअली आई टर्न वेजिटेरियन। ओके गाइस बाहर खा के हम लोग
मेजॉरिटी ऑफ टाइम खुश नहीं होते हैं. यहाँ पे हमने जितने भी रेस्टोरेंट ट्राई किए हैं इन्ने ज़्यादा फैन नहीं बने. वैसे तुम्हें पता ही है जिदा जिदा कुकिंग आ और ज्यादा देर तक हम बाहर रहना नहीं चाहते हैं. और यहाँ पे मैंने जितने भी रेस्टोरेंट ट्राई किए हैं दोबारा जाने के लिए मेरा मन नहीं है. फॉर सम रीजन ना बाहर खाने में ना मज़ा नहीं आ रहा, फीलिंग नहीं आ रही. टोरंटो में ऐसे कुछ प्लेसेस थे जहाँ पे हम बार बार खाने के लिए जाते थे, वैसा कम्फर्ट प्लेस अभी तक हमें मिला नहीं है. पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं हम जब एक्सप्लोर करते हैं. पर मेरा ना नवे रेस्टोरेंट ट्राई करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहती हूँ मैं. सो फार ये प्लान बना है कि हम हमारी आज पिज्ज़ा नहीं बनाते हैं एंड देन हम पिद्दी सा कोई केक करेंगे, सेलिब्रेशन करना चाहिए राइट. सो बाहर जाने का या पिज्ज़ा लाने का प्लान कैंसिल हो गया है. मैंने अर्लियर ना करेले बनाए थे, मैंने आपको पहले भी बताया होगा मुझे करेले बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा मैं करेले के साथ रोटी खा लेती हूँ. एंड पनीर की सब्ज़ी पड़ी थी लेफ्ट ओवर, सो हिम्मत ने वो खा ली. एंड मैंने कल बनाई थी बिरयानी डिनर में, वेजी बिरयानी, बहुत ज़्यादा डिलिशियस बनी थी. उसके साथ थोड़ा सा सीज़र सैलड बना लिया और ऐसे हमारा थोड़ा डिलिशियस डिनर रेडी हो गया. उसके बाद हमने सोचा कि केक लेके आएंगे एंड थोड़ा सेलिब्रेशन कर लेंगे. पहले भी कितनी बार बताया ना मैं कितने सारे सप्लीमेंट्स खाती रहती हूँ मेरी जॉइंट हेल्थ के लिए. एंड मैंने ना दो नए सप्लीमेंट्स लिए हैं. एक तो है ये ब्लैक सीड ऑयल के कैप्सूल्स, ये मैंने एक्चुअली ऑयल खा रही थी चम्मच में भर के क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इससे फ़र्क भी पड़ रहा था. पर इससे ना सारा दिन आपको ऐसे पता चलता रहता है कि आपने ये ऑयल खाया है, ये कलौंजी है एंड उसके डकार आते रहते हैं या फिर आपको ना खुशबू आती रहती है अपने अंदर से, अजीब सी लगती है वो. और मैंने सुना है कि जो भी ये कैप्सूल्स खा रहे हैं उनको ऐसा नहीं हो रहा है. सो ये मैंने लिया है, आज पहली बार खाया है मैंने. अगर मुझे अच्छा लगेगा बताऊँगी फ्यूचर में. पर या अगर आप ब्लैक सीड ऑयल खाना चाहते हैं ज़रूर से ट्राई करें, ये बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए. एक मैंने ये लिया है गोल्डन सील, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है के स्टमक के लिए. पर मैंने इसे लिया है मेरे साइनस इन्फेक्शन के लिए क्योंकि साइनस इन्फेक्शन, प्रेशर, हेडेक, माइग्रेन बहुत कुछ होता है मुझे. एक्चुअली बारबरा की ही ये एक टिप है कि आप इस जो इसमें कैप्सूल है उसको खोल के थोड़ा सा अपनी फिस्ट पे थोड़ा सा रखे एंड स्निफ कर ले तब तक जब तक वो आपको अपने गले में फील नहीं होता. एंड उससे ये साइनस क्लियर हो जाता है एंड प्रेशर रिलीफ हो जाता है और बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे. और आज मैंने ये करके देखा और मेरी ना सांस काफ़ी क्लियर हो गई एक ही बार जो इतना वधिया फ़र्क. क्योंकि यूजली मैं रोज़ सुबह क्लॉग्ड नोज के साथ उठती हूँ, फिर अगर ये थोड़ी देर चलेगा तो इन्फेक्ट हो जाएगा और साइनस इन्फेक्शन हो जाती है, सर बहुत
हैवी हो जाता है और माइग्रेन इतना बुरा होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो उसके लिए ये था आपका साइनस प्रेशर, साइनस इन्फेक्शन, रनी नोज, एलर्जीज, ये सारी चीज़ों को ये टैकल कर सकता है। इसका नाम है गोल्डन, अगर आप ट्राई करना चाहें, क्योंकि मैंने ना किसी का मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी देखा, वो भी बोल रहे थे कि वो ना थक चुकी है ये साइनस की प्रॉब्लम से। मुझे एक ही बार में बड़ा मज़ेदार लगा, आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। अमेजोन से ख़रीदा है मैंने ये स्पेसिफिक ब्रांड नेचर्स वे, और ऐसी चीज़ें करना मुझे अच्छा लगता है, ये आयुर्वेदिक किस्म की जड़ी बूटियाँ यूज़ करना। Okay, thanks. I knew it you gonna say that. I'm not gonna do it then. Congratulations, son. It was lovely meeting you. Happy anniversary. Yeah. Mama put you there, mama dai. Yay! Oya kitta kitna? Feed daddy and mama. Pehla daddy nu kar. Wait te kar tu disaster hi karan la pya. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me. So हम केक खाने वाले हैं तिरामिसु, and काफी ज़्यादा प्यारा and अच्छा केक है, fresh भी लग रहा है and चीनी भी थोड़ी कम है, so I can eat it because I'm not a big sugar fan. Happy anniversary to me. सो केक हमने लिया है सोबीस से, सोबीस की अपनी बेकरी का है, वहाँ से और भी बहुत सारे केक मिल रहा था। सो केक बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, ये आप ज़रूर से ट्राई करना सोबीस की बेकरी का तिरामिसू केक, अगर उस दिन ही पैक हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है, फ्रेश। एंड इसी तरह हमारी ब्यूटीफुल एनिवर्सरी हो गई कम्प्लीट, क्योंकि हर बार आप जैसे चीज़ें प्लान करते हैं वैसे नहीं होती हैं, पर जैसे भी होती हैं आपको फ़्लो के साथ जाना चाहिए, आपको चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आज हमारा प्लान से नो प्लान हो गया। आई होप आपने ये व्लॉग को इन्जॉय किया होगा, अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों, एंड बिल्कुल मत भूलें, आप जैसे भी हैं बहुत प्यारे हैं, आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक थॉट क्रिएट करना है एन एक्शन लेना है, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय बाय।